खरगोन के आंटी माफिया अभियान के तहत एक बड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर बेचने वाले आरोपी बंटी के मकान पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में आज गोगांव थाने के सिगनूर गांव में आरोपी बंटी के मकान को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। पिछले दिनों अवैध हथियारों के मामले में 3 राज्यों के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2 दिन पहले ही 8 थानों के 70 जवानों ने सिगनूर गांव में दबिश देकर अब आरोपी बंटी की निशानदेही पर जमीन में दबाकर छिपा रखे 10 पिस्टल के साथ ही भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री भी जब्त की थी। हाँ, ये एक एंटी माफिया अभियान के अंतर्गत की गई बड़ी कार्रवाई है। SP महोदय के नेतृत्व में 12 मई को यहाँ दबिश दी गई थी। इसमें बंटी से लेकर और उससे जुड़े और लोगों का एक पूरा ग्रह रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें SDOP साहब, पुलिस बल, अमला पूरा था। उसके निशानदेही पे बहुत सारी चीज़ आइडेंटिफाई हुई और बहुत कुछ चीज़ें अभी सस्पेक्टेड हैं और वो कार्रवाई चल रही है। और जब इसकी पूरी पहचान हो गई है तो इसके माध्यम से SP साहब ने फिर कट साहब से बात कर और देखा गया कि काफ़ी बड़ी कार्रवाई है, अन्य स्टेशनों से जुड़ी है। तो ऐसी एंटी माफिया कार्रवाई के अंतर्गत फिर हमने ये कार्रवाई आज प्रारंभ करी है। जिस जगह पर वो निर्माण करता था, सामान रखता था या विभिन्न गतिविधियाँ करती थी, उसके अंतर्गत इसका काफ़ी बड़ा परिसर था, उसको हम अभी तोड़ने की कार्रवाई जारी है। हाँ, क्यों नहीं, एक राज्य सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई है SP साहब के नेतृत्व में और साहब के मार्गदर्शन में, कि इसमें ये मुख्य उद्देश्य थे कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो अवैध हथियार है, अवैध गतिविधि की, इस राज्य में नहीं चलेगी। शांति का द्वीप है, यहाँ पर शांतिपूर्वक कार्य किया जाएगा। उसी के नकल कसने के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई आगे भी भविष्य में जारी रहेगी। अगर हमें कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो ऐसी संदिग्ध गतिविधि या सेंसिटिव गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है, उसके विरुद्ध ऐसे ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये समाज को मैसेज है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।